वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल योगेश। मैं सबसे पहले रियलमी का 5A का बॉक्स ले चुका हूँ। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं अपने मन से। मैं ये ले चुका हूँ, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए ये बॉक्स और ये सॉकेट चाहिए आपको, और ये टू पिन, और ये बटन चाहिए आपको, स्विच। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो फिर हमें सबसे पहले सॉकेट और स्विच का नाप ले लेना है। तो हम सॉकेट और स्विच का नाप ले लेते हैं। उसके लिए, नाप लेने के लिए हमको चाहिए होगा स्केल। तो हम स्केल से सॉकेट का नाप ले लेते हैं पहले, 1 से 1.3। ये स्क्वायर में है तो ये 1.3, मतलब कि ये 3.3 में है सॉकेट। और ये बटन, बटन है 1.3.3 और इसका 1.5। तो चलिए ठीक है, हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम जैसे कि हमने नाप लिया था, हम सॉकेट के लिए 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। और 3 सेंटीमीटर का हम पूरे 4 लाइंस खींचेंगे स्क्वायर बना के। तो अब हम बटन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। बटन की लाइन सेगमेंट है लेंथ 3.3 ब्रेथ ये 1.5। तो हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। तो हम इस लाइंस को अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे, जिससे हमें इसका कट, इसको कट करने में दिक्कत ना जाए। दोस्तों, आपको इस, मेरे पास ये है, आप कटर या फिर किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैं इससे आपको उसको पूरा कट कर लेना है ऐसे धार वाली चीज़ से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ। सो फाइनली हमने इसको कट कर लिया है। तो चले आइए, हम इसमें बटन और सॉकेट को लगा के देख लेते हैं। ये रहा हमारा सॉकेट, ये रहा बटन। तो हम ये सॉकेट लगा के देखते हैं। मस्त से ये अटैच हो चुका है अच्छे से। और ये बटन, तो फ्रेंड्स आपकी अगर मेज़रमेंट सही रहेगी तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी हम बिल्कुल अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वायरिंग करके दिखा देता हूँ। तो हमने एक रेड वायर का छोटा सा पीस ले लिया है। आपको इस रेड वायर को
इस पॉइंट में और इस पॉइंट में लगाना है, रेड वायर को इस पॉइंट में और बटन के इस पॉइंट में लगाना है। तो आइए हम इसको आपको लगा के दिखा देते हैं। आपको आपको इस तरफ से इस तरह से लगा लेना है। टाइट हो गया है। अब आपको मेन वायर के लिए लेना है। आपको यहाँ पे एक होल बनाना होगा, तो हम आपको होल बना के दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर होल बनाने के लिए मैं होल बना यहाँ पर बना चुका हूँ। तो हम मेन वायर के प्लस माइनस वायर को हम ये होल के अंदर डाल देते हैं। ये रहा प्लस माइनस वायर, हम इसको होल के अंदर डाल लेंगे। अब इस ब्लू वायर को आपको सॉकेट के इस पॉइंट पे डालना है, और ये स्किन कलर का वायर को आपके बटन के इस वायर में डालना है, इस वाले में डालना है। तो चलिए आइए हम आपको डाल के बता देते हैं। ये हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर का एक वायर लूज़ हो चुका है, हम इसको अच्छे से सॉकेट में लगा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम मिड पॉइंट में इस पॉइंट पे जो सीधा स्विच में उसमें हम टू पिन लगाएंगे। टू पिन मीन्स, तो हम यहाँ पर ये टू पिन लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमको इसका जो कैप है ये हमको बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से दिखेगा ये टू पिन। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, हम इसको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इस टू पिन को सॉकेट में लगा देते हैं और हम स्विच ऑन कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर चेक करने के लिए ये ट्रिमर है, तो हम इस ट्रिमर को चेक कर करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल रहा है और ये ट्रिमर भी चालू है। तो और ये बंद किए तो लाइट भी बंद हो जाएगा, चालू तो लाइट भी चालू। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस, आप कमेंट करके बता देना ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।